हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? ऐसा करते अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये डीडी फ्री डिश का रिसीवर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें ये कस्टमर बोल रहा था ये फुल डेड है, यानी कि ये इसमें कुछ भी दिखा नहीं रहा है। यहाँ से ये देखो, हमने ऐसी सप्लाई दिया फिर भी इसमें कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ से हम इसके सारे स्क्रू को निकाल के, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम बन रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रू को निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ढक्कन को निकाल लेते हैं, और सबसे पहले इस तरह से प्रॉब्लम बने तो आपको क्या टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेना है और डीसी वोल्टेज टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं, आपको दिखे उस तरह से। मीटर यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर हम इसको डीसी रेंज पे रख के, 1 मिनट कैमरा हिल गया। तो यहाँ पे हमने इसको डीसी रेंज पे सेट कर लिया, और यहाँ पे हमने एसी सप्लाई इसमें दे दिया है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डीसी आउटपुट वाले वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, जो कि यहाँ से हमने ग्राउंड ले लिया, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे। अब हम ये कैपेसिटर पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे डायोड पे लग गया है। तो यहाँ पे तो हमारा कैपेसिटर पे तो वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें हमारा कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है, मगर कुछ ना कुछ ओपन हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है, ताकि कैपेसिटर चार्ज हो और आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम इसको फिजिकली देखेंगे कि इसमें हमारा कुछ दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको फिजिकली तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें कोई ये वाले रेजिस्टेंस टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि ये हमारा रेजिस्टेंस कोई ना कोई ओपन हो गया होगा शायद। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को ले लेंगे और रेजिस्टेंस मोड में रख के सबसे पहले ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्टिंग करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रेजिस्टेंस 100K का है, तो ये हमारा ये सही दिखा रहा है। उसके बाद तो ये हमारा कुछ ओम्स में है, तो यहाँ पे ये देखो, ये 1.76 ओम ये सही दिखा रहा है। ये हमारा है 2. रेड रेड ग्रीन, यानी कि 2.2 मेगा ओम का है। तो यहाँ पे इसको टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे तो ये वाला किलो ओम्स में दिखा रहा है, एक जो बाकी इसकी वैल्यू तो हमको 2.2 मेगा ओम दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल के सबसे पहले इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है या कुछ और फॉल्ट है इसमें। तो यहाँ पे हम ये वाला रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू को टेस्टिंग करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है और ओपन हो गया या कोई और पावर सप्लाई में दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरे वाला लगाएंगे, जो कि ये मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, मगर यहाँ पे हम दूसरी पावर सप्लाई से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पावर सप्लाई पड़ी है एक पुराने वाली, उसमें से ये वाला रेजिस्टेंस निकाल लेंगे।
सबसे पहले निकाल के इसको वैल्यू टेस्टिंग करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे से हमने ये वाला रेजिस्टेंस निकाल लिया है, और यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे, ये यहाँ पे हमारा वैल्यू 2.3 मेगा ओम दिखा रहा है, जो कि ये 2.2 मेगा ओम का है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे तो दिखाएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने ये वाला रेजिस्टेंस को हमारी ये पावर सप्लाई में लगा के वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, और इसको ऑन करके भी देखेंगे कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये सही हो जाता है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं, और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, जो कि ये बिल्कुल फ्री में होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है आपको। तो यहाँ पे हम ये वाला रेजिस्टेंस को इसमें सोल्डरिंग करके फिर हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको लगा के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर लिया है हमने। अब यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला इस तरह से सोल्डरिंग कर लेते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं बाद में हम। यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको वोल्टेज भी टेस्टिंग करेंगे, और इसको चालू करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं, और यहाँ से हमने एसी सप्लाई दे दिया है, यहाँ से ग्राउंड ले लिया है। यहाँ पे 3.3 की जगह 6 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड के साथ ही है हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमने ग्राउंड, और यहाँ पे ये, यहाँ पे 12 की जगह 14 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। और यहाँ पे ये 20 दिखा रहा है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये लास्ट में देख लेते हैं, 12 की जगह 15, 14 15 दिखा रहा है, वो भी चलेगा। यहाँ पे अब हम इसको रिसीव डीडी प्री डिश के रिसीवर में लगा के देखेंगे कि हमारा सही हो जाता है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें सप्लाई दे देते हैं, और इसको ऑन करते हैं। यहाँ से हम इसे सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा ऑन हो गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा इसमें रेजिस्टेंस का ही फॉल्ट था। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इस तरह से आप भी रिपेयरिंग सीख सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।